इंडियन ऑपोजिट में अब बात हिंदुस्तान के दुश्मन नंबर वन की। जी हां, हम बात कर रहे हैं दाऊद इब्राहिम की। आइए देखिए क्यों दाऊद सदमे में है। दाऊद इब्राहिम, जिस पर कई मासूमों की जान लेने का आरोप है, जिसकी वजह से कई माओं की गोद सूनी हो गई, जिसने कई परिवारों के चिरागों को हमेशा हमेशा के लिए बुझा दिया, आज उस पर भी यह गम टूटा है। गोलियों से औरों का सीना छलनी करने वाले दाऊद का दिल आज रो रहा है। सूत्रों का दावा है कि उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और इसकी गवाह है कराची स्थित दाऊद का घर। क्लिफ्टन रोड स्थित दाऊद के घर में मातम पसरा है। महज 40 साल की उम्र में दाऊद के भाई हुमायूं कास्कर की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। गुरुवार की देर रात हुमायूं कास्कर की मौत हुई। कई बरसों से वो कैंसर का मरीज था। देश विदेश के कई नामचीन डॉक्टरों से इलाज कराने के बावजूद हुमायूं का मर्ज ठीक नहीं हो पाया। पुलिस भी मान रही है कि दूसरों को गम देने वाले दाऊद के लिए यह सदमे का वक्त है। मुझे लगता है कि जो भी होगा ये पर्सनल एक शॉक जरूर होगा, और क्राइम के बारे में डिटेल्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी उसमें इन्वॉल्वमेंट कितनी है नहीं है वो चेक कर लेंगे।